हाय फ्रेंड्स, तो क्या हाल है आप सबका। होपफुली बढ़िया ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल जोधा यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थॉमसन 9R और मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट। आज इन दोनों टीवियों का मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ 43 इंच साइज का। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे में फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि थॉमसन 9R और मार्क क्यू के 43 इंच अल्ट्रा HD 4K टीवी का आप कंपेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, कंपेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स इनके प्राइस की। तो आप प्राइस देख सकते हैं, थॉमसन का आपको प्राइस पड़ेगा 21,999 रुपये और मार्क क्यू का आपको प्राइस पड़ेगा 23,999 रुपये। तो वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले जो मार्क क्यू का टी वी था, जो मैंने इस पर वीडियो, मेरे चैनल पर एक और वीडियो भी है, उस पर आप देख सकते हैं कि उस टाइम उसका प्राइस 21,999 रुपये था। ऑलमोस्ट सेम प्राइस था थॉमसन के जितना ही, तो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है फ्लिपकार्ट पर, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राइस आप ऑलमोस्ट सेम मान के चल सकते हैं दोनों टीवियों का। आपको 1000 रुपये का जहाँ डिफरेंस आएगा, ऑलमोस्ट तो आपको सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले, तो अगर हम बात करें साइज़ की, तो आपको 43 साइज़ दोनों टीवियों में देखने को मिलता है और अल्ट्रा HD 4K आपको रेजुलेशन भी दोनों टीवियों में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें थॉमसन 9R में आपको HDMI पोर्ट्स आपको 3 देखने को मिलती हैं और मार्क क्यू के टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर USB पोर्ट्स की बात करें, तो थॉमसन 9R में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलती हैं और मार्क क्यू में आपको 3 USB पोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें थॉमसन 9R की, उसमें आपको 24 वाट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है और इसमें आपको 20 वाट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। तो साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है इनका। और टीवी दोनों स्मार्ट हैं और 1 ईयर की दोनों टीवीज की वारंटी है और वेल्टन वाईफाई वगैरह, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, गूगल प्ले स्टोर वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सिर्फ मार्क क्यू में आपके एक तो प्री ब्राउजर नहीं है कोई भी, और इसमें आपको देखने को iOS वगैरह उन्होंने ना NA लिखा हुआ है, मतलब नो लिखा हुआ है, वैसे तो आपका सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों स्पीकर आपके बॉक्स में आते हैं और 24 वाट के स्पीकर आपको 9R में और 20 वाट के इसमें देखने को मिलते हैं मार्क क्यू में। तो अगर हम बात करें 60Hz इसका रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और LED टाइप आपको दोनों में ही पैनल देखने को मिलता है और पैनल आपको दोनों में ही IPS देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें पावर कंजप्शन की, तो 0.50 वाट पावर कंजप्शन दोनों टीवियों का आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मेजर चीज़ बताऊं, तो इन टीवियों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, आपको पैनल भी सेम ही देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो पैनल वगैरह आते हैं वो बाहर से ही आते हैं, इम्पोर्ट ही होते हैं, तो इसलिए इनमें पैनल वगैरह आप टीवियों में दोनों में ही सेम लगा हुआ है, पैनल में कोई आपका डिफरेंस नहीं होगा देखने में इतना ज़्यादा। तो अगर पोर्ट्स की बात करें, तो आपको इसमें मार्क क्यू में पोर्ट्स थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं थॉमसन से, उसमें आपको मिल रहे हैं पोर्ट्स 3 HDMI और इसमें आपको 4 HDMI मिल रहे हैं, और उसमें आपको मिल रहे हैं 2 USB पोर्ट्स और उसमें आपको मिल रहे हैं 3 USB पोर्ट्स, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको साउंड देखने को मिलता है थॉमसन में ज़्यादा, उसमें आपको 24 वाट का साउंड देखने को मिलता है, इसमें आपको साउंड थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो इस सब से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी डिस्प्ले वाइज आपके पोर्ट्स और BGA पोर्ट्स वगैरह, या फिर ब्लूटूथ वगैरह, या फिर गूगल असिस्टेंट वगैरह, तो सभी चीज़ें आपकी सेम है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कंपेयर में कि इतना ज़्यादा फर्क है। तो आप इसमें यूजर इंटरफेस देख सकते हैं, थॉमसन का टीवी कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। और अगर हम वहीं पर बात करें मार्क क्यू की टीवी की, मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखिए मार्क क्यू का टीवी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और दोनों ही टीवी आपको 4K देखने को मिलते हैं। प्राइस के हिसाब से दोनों ही टीवी बढ़िया हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने लिखा भी है डिलीवरी 8 अक्टूबर तो अवेलेबल हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर, तो फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे भाई ने जिसने मुझे कमेंट किया था, तो भले वो वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या आपका डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में।